ऑल राइट, तो सबसे पहले आपने वीडियो फुटेज को एक न्यू कॉम्पोजिशन के अंदर इंपोर्ट कर लेना है। इंपोर्ट कर लेने के बाद आपने वीडियो को अच्छे से एक बार देख लेना है, वीडियो को प्ले करके दो तीन बार एक बार प्ले करके आप देख लीजिए अच्छे से वीडियो को। आपको ऑब्जेक्ट को कितना रिमूव करना है एक बार आप वो प्ले करके अच्छे से देख लीजिए। देन उसके बाद आप लोगों को ये मास्क टूल ले लेना है, पेन टूल जिसे हम लोग कहते हैं, इसको लेके अच्छे से आप इस कार के मतलब ऑब्जेक्ट को अच्छे से मास्क कर लेना है, ऑब्जेक्ट को पूरी तरह से। थोड़ा सा बड़ा करके इसलिए कर रहा हूँ ताकि जब मैं इसको फिल करूँ तो आसपास का जो बैकग्राउंड है ये इसको पूरी तरह से कवर कर ले। तो उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे मास्क पाथ पे आना है, मास्क पाथ पे आकर आपको सब्सट्रैक्ट कर लेना है ताकि पूरी तरह अच्छे से आपको ये मास्क दिख जाए कि पूरी तरह ये कवर हो चुका है कि नहीं। देन उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे मास्क पे आना है एंड यहाँ पे की फ्रेम डालना है, क्योंकि जब आप प्ले करके देखेंगे तो ये मास्क जो है हट रहा है, फिल लेयर जो है वो अच्छे से काम नहीं करेगा, फैल जाएगा पूरा। तो इस वजह से आप लोगों को क्या करना है, मास्क को एक एनिमेट करना है। मास्क आप यहाँ पे मास्क पाथ पे एक की फ्रेम डाल के इसको इस मास्क जो है मास्क को पूरी तरीके से शुरू से लेके एंड तक आपको इसको एनिमेट करना है, मतलब पूरा ऑब्जेक्ट जो है पूरा मास्क के अंदर ही रहना चाहिए, मास्क के बाहर ना जाए ठीक है। तो इसको अच्छे से यहाँ पे एनिमेट कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पे मास्क को पहले अच्छे से एनिमेट कर लेता हूँ। जैसे मैं एनिमेट कर रहा हूँ आप देख सकते हैं वहाँ पे, ठीक उसी तरीके से आपको भी ऑब्जेक्ट को पूरी तरह से कवर करके मास्क कर लेना है ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको नन कर दिया है ताकि मेरे को और अच्छे से दिख जाए। इस मास्क को पहले पूरी तरीके से कवर कर लेता हूँ मैं। मास्क पूरी तरीके से कवर हो जाने के बाद आपको इसको प्ले कर करके दो तीन बार देख लेना है अच्छे से कि पूरी तरह कवर हो चुका हो रहा है कि नहीं। अगर नहीं हो रहा है तो जहाँ जहाँ आपको प्रॉब्लम लग रहा है वहाँ आपको स्टॉप करके फिर एक वहाँ पे थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना है। जैसे यहाँ पे टायर के पास थोड़ा सा एडजस्ट हो गया, तो इसको अच्छे से आप लोगों को एक बार देख लेना है कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही, मतलब मास्क हट नहीं रहा कि मास्क के अंदर ही है ठीक है। तो आपको पूरी तरह इसको एनिमेट करके अच्छे से देख लेना है कि मास्क सही से काम कर रहा है कि नहीं ठीक है, मतलब से पूरी तरह ऑब्जेक्ट को घेर रहा है कि नहीं। देन उसके बाद आपको फिर वापस से यहाँ पे आके मास्क लेयर पे आपको इसको सब्सट्रैक्ट कर लेना है। अब आपका मास्क का काम जो है वो ख़त्म हो चुका है। अब आते हैं यहाँ पे कंटेंट अवेयर फिल वाले सेक्शन पे। यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दिखने को मिल जाते हैं, जैसे कि ये जो ऑप्शन है अल्फा एक्सपेंशन। यहाँ पे आपको आने के बाद इसको थोड़ा सा एडजस्ट अगर करेंगे तो जो है मास्क जो है वो मास्क का जो पाथ है वो थोड़ा सा एक्सपैंड हो जाएगा और बड़ा एक्सपैंड हो जाएगा, और इसको डिक्रीज करेंगे तो वो छोटा हो जाएगा। मतलब ये बेसिकली उसी काम के लिए जो हम लोग कार के अराउंड जो मास्क क्रिएट करें हैं हम लोग, तो वो मास्क जो है थोड़ा बड़ा करके इसलिए क्रिएट करें ताकि जब फिल हो तो वो उसे पूरी तरीके से कवर कर पाए। तो ये वही चीज़ है, अगर आप मास्क एक्यूरेटली फिल करते हैं पूरे कार को एकदम अराउंड पूरे उसके बॉर्डर वाइज, तो यहाँ पे आके आप अल्फा एक्सपेंशन पे आके उसको एक्सपेंड कर सकते हैं ताकि फिल लेयर जो है वो काम कर पाए अच्छे से। तो मैं हम लोगों ने पहले से ही उसको बड़ा करके कवर किया था, तो यहाँ पे आके आपको ज़्यादा कुछ नहीं, बस इसको 4 या 5 पे एडजस्ट करके रख देना है। देन उसके बाद आप लोग यहाँ पे नीचे देख सकते हैं एक और यहाँ पे ऑप्शन है फिल मेथड पे। फिल मेथड जो है यहाँ पे फिल मेथड पे आपको ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेना है, एंड दूसरा यहाँ पे जो ऑप्शन है रेंच जो उस पर आपको एंटायर ड्यूरेशन सिलेक्ट कर लेना है। आपको यहाँ पे दो ऑप्शन और देखने को मिल जाएंगे, एक है क्रिएट रेफरेंस फ्रेम और दूसरा है जनरेट फिल लेयर। तो क्रिएट रेफरेंस फ्रेम के बारे में हम लोग वीडियो में बाद में बात करेंगे, अभी हम लोग जनरेट फिल लेयर पे बात करेंगे। तो आप यहाँ पे सब कुछ ऑप्शन सही से फिल कर लेने के बाद आपको यहाँ पे जनरेट फिल लेयर पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप जनरेट फिल लेयर पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका फुटेज जो है वो आपको जो टाइमलाइन है उसको एनालाइज करना शुरू कर देगा। और आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे वीडियो फुटेज के ऊपर एक ऑलरेडी लेयर हो चुका है जो इसको फिल कर रहा है ठीक है। तो ये एनालाइज होने में थोड़ा वक्त लगता है, तो आप इसको टाइम दीजिए, उसी टाइम पे आप चाय वाय पी लीजिए।
देन उसके बाद ये एनालाइज़ होने के बाद वापस से फिर से इसको एनालाइज करेगा, फिल करेगा। तो ये इसका प्रोसेस है, कंप्लीट होने के बाद आपका फुटेज में से जो ऑब्जेक्ट है वो कम्प्लीटली यहाँ पे रिमूव हो जाएगा, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं। तो ये कम्प्लीटली रिमूव होने के बाद इसको थोड़ा सा टाइम लगता है। ये वीडियो फुटेज कम्प्लीटली रिमूव होने के बाद ये ऑटोमेटिकली रेंडर होता है, रेंडरिंग में थोड़ा सा टाइम लगता है। यहाँ पे पर फ्रेम इसको रेंडर करता है, ये जितने भी इसमें फ्रेम है वो सारा फ्रेम ये ऑटोमेटिकली रेंडर होता है इसमें। तो रेंडर होने के बाद ये कुछ कंप्लीट हो जाएगा।